अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा जी। आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप चेक करें, माशाल्लाह शौक करें। ये देखें, मैंने आज पूरा, ये है कि धूप बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक मेरा शेड नहीं बनता ऊपर, यानी कि कोई बड़ा मास्टर केज नहीं बनता, तब तक ये है, मैंने फ्रेम ऊपर डाल के तो उसके ऊपर चादर डाल दी कि आर्जी तौर पे मैंने एक शेड टाइप बना दिया। ये है कि अब मेरे सारे केजीज इसके अंदर आ जाते हैं आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं। देखें, चेक करें आप, माशाल्लाह ये बेहतरीन हो गया। कपड़ा ऊपर डाल दिया मैंने, यह है कि ना बांध के कपड़े को साइड से बांध बूंद के ऊपर मैंने सपोर्ट रख दी ताकि ये ज़रा छाँव हो जाए और उड़े भी ना, हर हिसाब से बेहतरीन हो जाए। ये देखें, चेक करें, ओवरव्यू चेक करें, माशाल्लाह ये देखें। बाकी माशाल्लाह ये है कि कलोनी बेहतरीन चल रही है, सारे पेयर माशाल्लाह फिट हैं, ज़बरदस्त हैं। वो देखें, चेक करें, हर पेयर लगा हुआ है, हर कोई अपने अपने बॉक्सेस पे है। वो देखें, एक तो फीमेल भी अंदर गई हुई है, चेक करें। ये तकरीबन इसमें कुछ फीमेल्स हैं जो अंदर ऑलरेडी अंदर हैं, इन पे तो बहुत महंगे महंगे विटामिन लगाए हैं। बस इंशाल्लाह दुआ करें जल्दी से इनका रिज़ल्ट आए कोई, तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। देखें, चेक करें, माशाल्लाह। बाकी दाना पानी मैंने इनका सुबह ही चेंज कर दिया था, सुबह में असल में मैंने कहीं जाना था तो इस वजह से मैं सुबह सुबह आकर चेंज। ये देखें, मकाई भी डाली थी मैंने इनको थोड़ी बहुत, मैंने कहा चलो इसका भी ज़रा साथ ही, कल नहीं डाली थी मैंने, परसों भी नहीं डाली थी, तो ये क्या है मैंने आज डाल दी। बाकी चेक करें माशाल्लाह, केजीज चेक करें, सारे केजीज मैंने लाइन से लगा दिए हैं। बाकी वो केजीज मेरे अभी खाली हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ला के छोड़ूँगा। आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे साथ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएँ ताकि मेरी जो भी डेली की वीडियोज़ हैं, जो भी कुछ है, वो आपके पास पहुँचता रहे और आपको पता लगता रहे। बाकी ये जो चार खाने हैं, इंशाल्लाह इनमें भी मेरा बहुत जल्द कुछ ना कुछ आएगा। बाकी चेक करें, कबूतर का पेड़ चेक करें दोनों। ये देखें जी, ये है न्यू एंट्री जिसका मैंने आपको कल ही ज़िक्र कर दिया था। ये देखें, ये मैं अभी बड़ी दूर से लेके आया हूँ जाके, क्योंकि लाजमी बात है गर्मी भी बहुत है। तो अभी यार रास्ते में आ, चलो मैं आपको वीडियो बना के पहले आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें, चेक करें, यह है कि कार्गो केज नहीं लेके गया, मैंने कहा इसी में ले आता हूँ, अब जल्दी से छोड़ता हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। चलें मैं ज़रा इसको अंदर उतार दूँ, यह है कि ये ऐसे तो नहीं निकलेगा, अंदर ही हाथ डाल के ही निकालना पड़ेगा इसको। ये देखें आप, चेक करें, माशाल्लाह ये निकले। ये देखें माशाल्लाह, ज़रूर कहिएगा, ये शो क्लास बर्ड है। वैसे तो बहुत मिल रहे थे लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढ के निकाला है। मैंने कहा भाई मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे व्यूवर्स को भी देख के पसंद आए, क्योंकि शौक करना है तो शौक ऐसा होना चाहिए जो वाकई शौक लगे, जिसको देख के बंदा कहे नहीं यार वाकई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शौक किया हुआ इसने, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त शौक रखा हुआ इसने। देखें, अभी तो गर्मी, मैंने आपको बताया ना गर्मी बहुत है और इतने सफ़र से आ रहा है, लाजमी बात है उसने हाँपना ही है। ये देखें, चेक करें, माशाल्लाह क्वालिटी चेक करें आप, उसकी लेंथ वगैरह देखें। बाकी ये इधर हाँप रहा है तो ये सही हो जाए ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसको मैं ना शाम को, फिर देखिएगा। ये देखें जी, अब चेक करें माशाल्लाह। अभी मैं थोड़ी देर ज़रा चला गया था पानी वगैरह डाल के, मैं कहा ज़रा ये फ्रेश हो जाए। ये देखें, क्वालिटी चेक करें इसकी, आईज़ सामने से तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। ये चेक करें माशाल्लाह, ये अभी साइडों से भी ज़रा ये है कि थोड़ा सा क्रीज में आया हुआ है, थोड़े से पर उलझ रहे हैं इसके, इस वजह से। ये देखें, चेक करें माशाल्लाह, बिल्कुल बड़ा मेल है। और बस इसके साथ ये है कि अब मुझे फ़ीमेल लेके आनी पड़ेगी बहुत जल्द, क्योंकि फ़ीमेल नहीं है अभी, तो सिंगल मेल ही मिला था मुझे कहीं से, क्योंकि जो क्वालिटी मैं चाह रहा हूँ वो क्वालिटी में तो मुझे सिंगल मेल मिला है। बाकी पेयर्स भी मिल रहे थे लेकिन मुझे पेयर ऐसा चाहिए ही नहीं बगैर इस क्वालिटी के, क्योंकि ज़ाहरी बात है मैंने आप लोगों को भी शो करवाना है, तो
तो इसी हिसाब का देखें आप, टेल देखें, अभी टेल इसकी आ रही है, अभी आधी टेल है, और देखें माशाल्लाह उसका बैठना देखें, चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, शौक करें दोस्तों। ये सब कुछ ये आपके लिए, ये मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, जा जा के लेके आ रहा हूँ, कि मैंने कहा मैंने अपने व्यूवर्स को चेक करवाना है, अपने व्यूवर्स को शौक करवाना है, और इंशाल्लाह ऐसे ही मेरे न्यू एंट्रीज़ और भी होती रहेंगी, आप बस मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा ये और भी एंट्रीज़ ऐसे ही होती रहेंगी। बस जो जो मेरे चैनल पे नया है वो लाजमी लाइक लाजमी करके जाएं और सब्सक्राइब भी करके जाएं, ताकि आपको डेली की डेली आपको अपडेट मिलती रहे। ये चेक करें मेरे, इसका शौक करें, होगरों का ये भी माशाल्लाह तकरीबन रेडी ही हैं, ये बस ये है कि इनको बॉक्स देने की देर है, बॉक्स नहीं तो मैं मटकी दूंगा, क्योंकि ये है कि ज़रा मटकी में ज़रा छोटा बर्ड है ना, तो मटकी में ये आराम से रह लेगा, आगे ज़ाहिर बात है आगे सर्दी भी आ रही है, तो मटकी ही इनके लिए बेस्ट होगी। मैं सोचा हुआ मटकी मैं लेके भी आया हूँ, बस मैं ज़रा ख़ुद वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा ये अपने माहौल में एडजस्ट हो जाए यहाँ पर, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो, फिर मैं इसके अंदर मटकी लगाऊँ। इतने में ये है कि मैं उसकी भी फ़ीमेल ले आऊँगा, तब तक ये ऐसे ही खाएँ पिएँ यशी मारें। वो देखें साथ ही कलोनी है, आराम से वो बर्ड भी यहाँ देख रहा है, ये भी वहाँ देख रहे हैं, यानी कि कोई बोर ही नहीं होगा बंदा, क्योंकि अक्सर बर्ड होता है कि अकेला रह रह के स्ट्रेस में आ जाता है, तो अब तो अकेला है ही नहीं। अब आप यही एग्जीबिशन को लेके देख लें, वो उसको भी ला के छोड़ा है तो वो ज़बरदस्त हो गया। बाकी ये देखें इनका शौक करें, ये तो माशाल्लाह बस जल्द से जल्द अब इनकी ब्रीड का वेट है कि कब इनके अंडे आएंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखें दोनों ही मेरे पैर ज़बरदस्त, बाकी ये रह गए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द, असल में थोड़े पैसों का भी मसला है, तो इंशाल्लाह जैसे मेरा हुआ कुछ तो मैं बहुत जल्द इसके अंदर भी न्यू एंट्रीज़ करूँगा आपके लिए इंशाल्लाह, फिर मैं आपको शौक करवाऊँगा। बाकी ये है कि ये मेरा जो सामने वाला केज है बड़ा, इसमें ये ज़रा थोड़ा बाहर निकल रहा है, तो ना इसके ज़रा मुझे यहाँ से एक और, ये है कि थोड़ा एक और फ्रेम भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं ऊपर ही ला के लगा दूँगा इसके साथ ही, तो ये जो बाहर निकल रहा है ना ये मेरा अंदर है, ये भी ढक जाएगा, ये इसके पीछे मेरा फ्रेम पड़ा हुआ है, ये देखें ये दो फ्रेम है ना, ये बल्कि यहाँ से नहीं नीचे से नज़र आएगा, ये चेक करें इसी के साथ का ये वाला, ये जो बैक पर पड़ा हुआ ये फ्रेम, ये है कि मेरा यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, तो इसके ऊपर भी कोई चादर वगैरह डाल के ये भी मेरा शेड टाइप बन जाएगा, आराम से मैं इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इसके नीचे रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। चलें जी दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल आते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।